नेक्स्ट क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कंपोज्ड बाय 92 ग्राम ग्लिसरॉल और 90 ग्राम वाटर। सबसे पहले तो आप मोल्स निकाल सकते हो ग्लिसरॉल के, ग्लिसरॉल के मोल्स क्या हो जाएंगे भाई, इसका वेट कितना दे रखा है आपको 92 ग्राम, जबकि इसके मोल्स कितने दे रखे, मोलर मास कितना दे रखा है 92। ठीक, सिमिलर आप वाटर के मोल निकाल सकते हैं, इसका मास कितना दे रखा है 90 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 18, यानी कितना हो गया 5। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल क्या हो जाएंगे, इसे खुद के मोल अपॉन टोटल मोल 1/6, और मोल ऑफ वाटर निकालना है तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, इसमें कुछ खास तो है नहीं, नॉर्मल सी चीजें, तो 0.167 और 0.833 आपका निकल के आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ अलग चीज तो हमने करी नहीं अलग, ठीक है।